सो वेलकम बैक गाइज, वी बैक विथ आवर न्यू वीडियो क्लास 10th बुक्स एंड साइड बुक्स के बारे में। ये वीडियो हम लोग का लगभग 1 वीक के बाद आ रहा है क्योंकि मेरा भी एग्जाम चल रहा था एंड मैं भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। बट अब रेगुलर वीडियो 1 वीक के बाद आएगा क्योंकि मेरा एग्जाम्स है थोड़ा और मैं बाहर भी जा रहा हूँ, तो 1 वीक के बाद रेगुलर वीडियो आएंगे एंड पूरा क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आर डी शर्मा, हरीश अग्रवाल, इस सब चीज़ में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जो हम लोग का स्कूल में चलेगा, प्लस कुछ साइड बुक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपको प्रेफरेंस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं साइंस का बात ही हम लोग उठाते हैं सबसे पहले। तो साइंस में आपको चलेगा एस चांद, आपको सब सिंपली एस चांद को बुक खरीदना पड़ेगा एंड डीएवी मोस्टली प्रिफर करता है एस चांद को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। एंड अब बोलेंगे बहुत सारे स्टेट में एस चांद प्रिफर नहीं होता, डीएवी डायरेक्ट बोलता है एनसीईआरटी लेने। तो ये बिहार में, झारखंड में एंड ऐसे ही बहुत सारे स्टेट में डीएवी एस चांद चाहते बोलते हैं एस चांद से क्वेश्चन आएगा, बट बहुत सारे स्टेट के डीएवीज बोलते हैं कि एनसीईआरटी आएगा। तो आपका स्कूल पर ये साइंस निर्भर करता है, स्कूल साइंस का दोनों बुक चल सकता है, बट अगर आप एस चांद लेंगे तो उसमें एनसीईआरटी पूरा दिया हुआ है, मीन्स एस चांद की बुक में टोटली एनसीईआरटी दिया है प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो आप लोग एस चांद को लेंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसमें एनसीईआरटी भी दिया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। अभी एंड इसका बात करते हैं साइड बुक के बारे में, साइड बुक के बारे में बात करें तो ऑल इन वन ले सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर दिया है एंड मैं बाद में एग्जाम टाइम आएगा तो प्रैक्टिस में कुछ बोर्ड मॉडल्स पेपर सर करेंगे हम लोग साथ मिलकर लाइव स्ट्रीम पर। एंड फिर मैथ्स का बात करते हैं, मैथ्स में आपको चलेगा आर एस अग्रवाल आपका मोस्टली चलेगा एंड सारे क्वेश्चन से आएगा। इसमें एनसीईआरटी हम लोग का स्कूल नहीं लेता, बिल्कुल आर एस अग्रवाल लेते हैं। आप लोग भी 9th में भी देखे होंगे कि आर एस अग्रवाल उठाया, आर डी शर्मा भी नहीं, आर डी शर्मा प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हैं। तो इसका साइड बुक हम लोग आर डी शर्मा को मानते हैं, इसका साइड बुक हम लोग आर डी शर्मा को मान सकते हैं, जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है वो आर डी शर्मा उठाए। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इंग्लिश में आता है एनसीईआरटी, इसका भी एनसीईआरटी चाहिए, इसका ग्रामर के लिए भी एनसीईआरटी, सब चीज़ के लिए एनसीईआरटी हिंदी में। और इसका साइड बुक के बारे में बात करें तो इसका फुल मार्क्स का गाइड आता है, उसमें बहुत सारा अच्छा दिया है फुल मार्क्स का गाइड एंड बहुत सारा गाइड्स आता है जिससे बहुत अच्छा अच्छा दिया है। एक इंग्लिश टुडे यूनिक का भी गाइड आता है जिसमें बहुत सारा कंप्रिहेंशन दिया है, तो वो सब आप देख सकते हैं। हिंदी में भी एनसीईआरटी चलेगा। साइड बुक का बात करें तो गाइड ही को मानिए, गाइड को मानते हैं साइड बुक हम लोगों, क्योंकि गाइड बहुत हेल्प करता है हम लोग को रिविज़न करने में। सोशल सबसे मेन बात आता है, सोशल में आपका एनसीईआरटी चलेगा, मींस क्लास 10th में एनसीईआरटी चलेगा। तो हम लोग जल्दी कोर्स स्टार्ट, बहुत लोग को नहीं पता होता कि 10th में क्या हो, तो मैं उनके लिए वीडियो बना देता हूँ। साइड बुक पक्का ये ऑल इन वन ही मानिए, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है एसएसटी के लिए। इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस दिया है, माइंड मैपिंग दिया है, मैप दिया है, ये बहुत सारे अच्छा बुक होगा एसएसटी के लिए प्रिपरेशन के लिए आप लोग के लिए। और अब कौन सा सब्जेक्ट हम लोग के लिए बचा, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, अब कौन सा सब्जेक्ट बचा? और बस आईटी के लिए, आईटी या मार्केटिंग के लिए वो स्कूल चलाएगा, यार उसका हम मुझे भी उतना आइडिया नहीं, आईटी 402 एंड मार्केटिंग के लिए उतना मुझे भी यार इसके बारे में उतना नहीं पता आईटी मार्केटिंग के बारे में, तो वो स्कूल देख लीजिएगा आप लोग प्लीज़। इसका भी मुझे भी नहीं पता, किन्हीं को पता है तो वो कमेंट में बता सकते हैं। एंड अब तो कोई सब्जेक्ट शायद मेरे हिसाब से नहीं बचा है, कोई छूट गया तो उसके लिए सॉरी, अगर कोई छूट गया तो अब उसमें एनसीईआरटी चलेगा एंड प्रेफरेंस के लिए उसका गाइड ले सकते हैं। एंड अब मैं बता देता हूँ, हम लोग के चैनल पर होली का भी चल रहा है थोड़ा, मैं भी बाहर जा रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम्स भी चल रहा है, होली की छुट्टी के बाद एग्ज़ाम्स है जिसके वजह से 1 वीक अभी तक वीडियो नहीं आएगा, बट फिर रेगुलर वीडियो आएगा। एंड हम लोग इस क्लास 10th का स्पेशली क्लास 10th बोर्ड है, इसलिए रेगुलर वीडियो में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी एंड इंग्लिश मैथ हिंदी सब एसएसटी टोटल चीज़ हम लोग कवर करने वाले इसी चैनल पे मिलने वाला आपको 10th का। ये बहुत बड़ा सीरीज स्टार्ट होने वाला है, इंग्लिश में आपको कहानी का एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है सबको, मैथ में आपको सॉल्व मिलेगा, बोर्ड पे मैंने एक बोर्ड भी ऑर्डर किया है, तो आप लोग के लिए 10th बहुत सारा होने वाला है। फिर हम लोग बोर्ड मॉडल प्रैक्टिस भी करेंगे, तो इसलिए लाइक बटन करें, सब्सक्राइब जरूर करें कि जब जैसे हम लोग ये सब स्टार्ट करें तो आप लोग को मिल जाए नोटिफिकेशन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, देखते रहे, तब तक के लिए।
अलविदा यार, तो जल्दी मिलते हैं, तो बस 1 वीक का टाइम और है, हम लोग फिर जल्दी करेंगे इससे पिक काम। ये रहा कुछ बुक्स का डिस्कशन, तो आप लोग देख लिए होंगे, होप आप लोग को अच्छा लगा वो वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक करने एंड सबको बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम एंड हैप्पी होली।